जम्मू कश्मीर दे रहण वाले हो तुसी जी, स्पोर्ट्स ना इतना गूढ़ा नाता रहा है, फिर फिल्म इंडस्ट्री क्यों चूज की थी? फैमिली का बिजनेस ही वो कुछ साल कीता, मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं बाहर चला गया, फॉरेन चला गया, फॉरेन च कुछ समय बिताया, फिर उतने कुछ फैशन शोज किए उस वक्त, फिर करने के बाद मेरा मन बन गया कि ये लाइन मैंने फॉलो कर। सो सर तुसी एक्टर दे नाल नाल इस फिल्म दे प्रोड्यूसर भी हो, सो प्रोड्यूसर दे नाल नाल एक्टर होने की जिम्मेवारियां कितनी कवाज जांदियां ने? बहुत बहुत ज्यादा ने, क्योंकि एक्टर और जो प्रोड्यूसर होना और कैमरे के पीछे जो चीजें ने वो बहुत ही अलग दुनिया है। प्यो पुत दी जोड़ी नु मनदीप जी ने बड़ा ही खूबसूरत तरीके नाल जड़ा डायरेक्ट कीता है, है ना? इट्स ए टीम वर्क। देखो डायरेक्टर कल्ला कुछ नहीं करता, ठीक है, मेरा मानना है फिल्म मेकिंग टीम वर्क होती है, उदे विच राइट फ्रॉम राइटिंग स्टेज तो फिल्म मेकिंग शुरू होती है, राइटिंग तो लैके प्री प्रोडक्शन तो लैके शूटिंग ते सब आर्टिस्ट सब टेक्नीशियन एक एक बंदे की जब 100% कंट्रीब्यूशन आती है ना, तो एक अच्छी चीज़ बन के पर्दे ते निकल। जब इन्होंने पहली बार सोचा अपने बेटे को लॉन्च करने वास्ते, दैन साड़ी एक बार मुलाकात हुई, डेफिनेटली इन्हों की मुलाकात होर भी डायरेक्टर्स नाल हुई होएगी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट उन्होंने मैनू इस चीज़ का मौका दिता। वेरी स्टार्टिंग सर नू मैं विलन दे रोल विच ही देख रही हूं, और आज भी उन्होंने पर्सनालिटी कितने ना कितने उवें दी मैच कर रही है। टाइम दा डर कितने ना कितने सीगा कि आप बिल्कुल फ्री टेंशन सीगे कि नहीं पापा हैगे ने नाल, हुण तां कोई टेंशन नहीं हैगी है। मैं पंजाबी इंडस्ट्री च डेब्यू कर रहा एंड वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड दी वजह, वही मेरे टीचर ने, वही मेरे को आर्टिस्ट ने, वही मेरे फ्रेंड ने, एंड एक 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 एक्टर नू कन्फर्मेशन चाहिए, चाहे वो फैन से हो, चाहे वो चाहे किसी से भी हो, एक एक कन्फर्मेशन रहती कि हाँ तू एक्ट कर सकता है। सत श्री अकाल जी सारिया नूं, सांझा टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल श्वेता राणा, उम्मीद करदे हां तुसी सब ठीक ठाक होवोगे। दर्शकों कहिंदे ने कि कुछ फनकार कुछ शख्सियतां इहो जिहियां हुंदियां ने जो बेशक कुछ समय लई फिल्मी दुनिया तो दूर भी चलिया जाण, फिर भी उन्हां दा अक्स उन्हां दा वजूद हमेशा इंडस्ट्री दे विच रहिंदा है। जे बिल्कुल अज असीं गल्लबात करांगे जिन्हां नूं करीब 33 to 34 साल इस इंडस्ट्री दे विच हो चुके ने, अक्सर तुसी विलन दे रूप दे विच अपनी टीवी स्क्रीनां ते भी वेखदे हो, मुकेश ऋषि जी दी गल करांगे ते नाल ही गल्लबात करांगे उन्हां दे बेटे दी, ते जे बिल्कुल फिल्म आ रही है एक निडर जिन्हां नूं डायरेक्ट कीता मनदीप चाहल होरां ने ते प्रोड्यूस कीता मुकेश ऋषि जी ने, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करदे हां, फिल्म दे स्टार का साडे नाल मौजूद है। सत श्री अकाल जम्मू कश्मीर दे रहण वाले हो तुसी, स्पोर्ट्स नाल इतना गूढ़ा नाता रहा है, फिर फिल्म इंडस्ट्री क्यों चूज कीती? कॉलेज दे टाइम सी, कॉलेज खेलदे रहे सी और बड़ियां कोशिशां कीतियां कि एक्चुअली सब कुछ कर लिया सी, उसके बाद ही फिल्म च आया। फैमिली का बिजनेस सी, वो कुछ साल कीता, मेरा मन नहीं लगा, फिर मैं बाहर चला गया, फॉरेन चला गया, फॉरेन च कुछ समय बिताया, फिर उतने कुछ फैशन शोज किए उस वक्त, फिर करने के बाद मेरा मन बन गया कि ये लाइन मैंने फॉलो करनी है। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं छड़े है ना? हाँ, मैं सब ट्राई किया, इस करके फिल्म मेरा लास्ट ऑप्शन सी। फायदा होया कि मैं बॉम्बे, मेरा घर सी, मैं देखा होया सी, तो इसलिए जब इरादा कर लिया तो उस वक्त फिर मेरे ब्रदर ने भी मेरा साथ दिता, तो इस फिर दिस इज हाउ, बट मैं उदे च भी पूरी बिगनिंग तो जैसे कोर्स कितू करना है सारा चीज़ा मैं कीतियां, उदे बाद ही शुरुआत हुई एज एन एक्टर। ठीक है, सो सर तुसी एक्टर दे नाल नाल इस फिल्म दे प्रोड्यूसर भी हो, सो प्रोड्यूसर दे नाल नाल एक्टर होने दी जिम्मेवारियां कितनियां कवाज जांदियां ने? बहुत बहुत ज्यादा ने, क्योंकि एक्टर और जो प्रोड्यूसर होना और कैमरे के पीछे जो चीज़ें ने वो बहुत ही अलग दुनिया है जी। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें ने जो तुम हर चीज़ का ख्याल रखना पैंदा, सिर्फ इस नॉट ओनली द शूटिंग दे जिहड़ियां जरूरतां ने, बहुत कुछ होंदा उहदे विच, वो सारा मेरे लिए नया सी। एज एन एक्टर ठीक है, असीं काम अपना करते हैं, फिर गड्डी 'च बैठ जाते हैं या किसी पेड़ के थले बह जाएंगे, वो सब चलता है, लेकिन वो जो हिस्सा सी अगर उसनों मैं नहीं सीखता तो मैं फायदा नहीं सी होना। इस करके मेरी पूरी कोशिश है कि एज ए प्रोड्यूसर मैं ज़्यादा टाइम दिया, एक्टर्स तो जो मैं पता सी जो मैं करना है वो तो मैं पहले ही पता चल गया सी,
तो मैं वो सीखना चाहता सी, इस करके मैं उस चीज़ में बहुत ध्यान दिता। मैं उस वक्त सिवाए अपनी फिल्म से दूजिया फिल्म मैं नहीं की, ताकि मैं पूरा टाइम जरा इस दे सकता निडर न। सो मैं लगता है कि यह फिल्म बहुत खास होने वाली है, क्योंकि खासकर प्यो पुत की जोड़ी मनदीप जी ने बड़ा ही खूबसूरत तरीके डायरेक्ट किया है ना। इट्स ए टीम वर्क। देखो डायरेक्टर कला कुछ नहीं करता, ठीक है। मेरा मनना है फिल्म मेकिंग टीम वर्क होंगी है, वो राइट फ्रॉम राइटिंग स्टेज तो फिल्म मेकिंग शुरू होंगी है, राइटिंग तो लैके प्री प्रोडक्शन तो लैके शूटिंग से सब आर्टिस्ट सब टैक्नीशियन एक एक बंदे की जब 100% कंट्रीब्यूशन आती है ना, तो एक अच्छी चीज़ बन के पर्दे से निकलती है जी। बिल्कुल, बट दर्शकों को एवं लगता है कि एक्टिंग तो चलो एक्टर्स ने करनी है, बट डायरेक्टर का बहुत वड्डा रोल होंगे एक फिल्म को डायरेक्ट करने, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो कुछ चलता होंगे वो सानू लोगों को नहीं पता होंगे, वो सब कुछ थानू ही पता होंगे। हाँ जी हाँ जी, बट मैं आई एम थैंकफुल टू मुकेश जी कि इन्हों का इन्ना लंबा एक्सपीरियंस रहा फिल्म इंडस्ट्री के, जो इन्होंने पहली बार सोचा अपने बेटे को लॉन्च करने वास्ते, दैन साड़ी एक दो बार मुलाकात हुई, डेफिनेटली इन्हों की मुलाकात होर भी डायरेक्टर्स नाल हुई होएगी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट उन्होंने मैनू इस चीज़ का मौका दिता, ठीक है। फिर असी मैं राघव नूं मिलिया, नॉर्मली की हुंदा आप नवा हीरो लॉन्च करते हैं ना, बड़ी सॉफ्ट जी कहानी रोमांटिक कहानी के आस पास नवे हीरो नूं बुन लैंदे आ, ठीक है। फिर असी द काइंड ऑफ परसोना ही इज़ कैरिंग, द काइंड ऑफ परसनैलिटी ही इज़, सानूं उहदे वास्ते एक स्पैशल कहानी चाहीदी सी जो कि इहदे परसनैलिटी नूं टुकमी होवे। फिर असी स्टोरियां बहुत सुनियां, फिर साढ़े राइटर सी मारूक मिर्जा जी, बड़े सीनियर राइटर ने, तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी फादर सन की कहानी सी, तो मुकेश जी वास्ते एक होर सॉफ्ट कॉर्नर इस कहानी वास्ते इमोशनल हो गया कि एक फस्ट टाइम अपने बेटे नूं लॉन्च कर रहे सी, तो एज ए फादर ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करन नूं मिल रहा सी, तो साडे सारयां दा इक ना कहानी दे नाल इक इमोशन जुड़ जाता है, ठीक है ना, फस्ट टाइम होना। तो डेफिनेटली ऑन सैट एक थोड़ी जी राघव वास्ते सपोर्ट भी सी, देख के मुकेश जी वाज देयर ऑलवेज देयर, बट मुकेश जी ने राघव नूं अपना पूरा का पूरा ना उन्होंने स्पेस दिता, बट समटाइम होंगे ना कई बार पेरेंट्स बड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो नहीं, इन्होंने पूरा दिता दैट नाउ यू आर एन एक्टर, ठीक है, तो तू अपने पार्ट को अपने आप तू तेरिया गलतियां तू आप सीखनिया ने, ठीक है। सो स्टार्टिंग दे विच मैनू भी थोड़ा जा हाइट सी, देखो काइंड ऑफ मुकेश जी का जिदा तुसी डिफाइन किया एक एक उन्होंने परसनैलिटी है, उन्होंने एक ऑरा है, बिल्ला जलानी तो देखते आ रहे हैं है ना, एक कैरेक्टर उन्होंने जो प्ले किया, तो जो फस्ट टाइम ऑन सैट जब गया भी इन्हें डायरेक्टर इन्होंने काम किया, तो उन्होंने सामने मैं शॉट लवाँगा किदा लवाँगा, तो एक मैं जे कहाँ मैं डर नहीं लग रहा तो मैं झूठ बोलाँगा, ठीक है, कितने ना कि बैक ऑफ माइंड एक एंगजाइटी हैगी सी, बिकॉज मैं तो मैंने लगता है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग सर नू मैं विलन दे रोल विच ही देख रही हूं, और आज भी उन्होंने पर्सनैलिटी कितने ना कि उवें दी मैच कर रही है। तो बट द मोमेंट जिस तरह असी मीटिंग्स की जिस तरह सैट पर गया, इन्होंने पूरे सिर्फ मैनू नहीं इन्होंने पूरे यूनिट में इन्ना कंफर्ट कर दिता, जो परसनैलिटी जो तुम इन्हों का परसोना ऑन स्क्रीन देखते हो ना, दैट ही इज़ वेरी एक होंगे डोमीनेट टिंग है, बड़े एक सख्त सुभा का बंदा, इन रियलिटी इज कंप्लीटली कंट्रास्ट, ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड परसन, उन्हें सानू सारयां नू बहुत अच्छा काम करन दे विच बड़ी हेल्प की उस चीज़ ने। सो राघव तुहाडे वाल आने आ, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स तुसी पंजाबी इंडस्ट्री दे विच आए हो। सो कितने ना कितने साडे लई भी बहुत माण वाली गल है कि मुकेश सर ने तुहानू बॉलीवुड तो अलावा पंजाबी इंडस्ट्री दे विच भी लॉन्च किया है। सो पापा की सपोर्ट रही है नाल नाल, ठीक है। सो उस शूटिंग दे टाइम दा डर कितना कितने सिगा कि या बिल्कुल फ्री टेंशन सिगे कि नहीं पापा हैगे ने नाल हुण तां कोई टेंशन नहीं हैगी है। पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी गल है कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री च डेब्यू कर रहा, एंड वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड दी वजह से। एक सेट दा माहौल काफ़ी काम सी, और एज एन एक्टर मैनु इतनी टेंशन नहीं सी क्योंकि मेरी सारी प्रैक्टिस सारी रिहर्सल मेरे डैड नाल ही हुई है, वही मेरे टीचर ने, वही मेरे को आर्टिस्ट ने, वही मेरे फ्रेंड ने, एंड एक 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 एक्टर नू कन्फर्मेशन चाहिए, चाहे वो फैन से हो चाहे वो चाहे किसी से भी हो, एक एक कन्फर्मेशन रहती कि हाँ तू एक्ट कर सकता है, वो मेरे डैड दी मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी सी, वो मैनू रिहर्सल करते टाइम मिल चुकी थी, तो सेट पे माहौल नर्वस नहीं सी बल्कि काफ़ी काम और काफ़ी फन लविंग और इंटरेस्टिंग सी। अच्छा, मतलब पंजाबी भी बहुत चंगे सीख गए ने, है ना। एंड ही डिड हिज बेस्ट, ही डिड। देखो सबनों लगेगा कि ठीक है मुकेश जी का एक्सपीरियंस और सामने बेटा पहली बार आ रहा, बट जब तुम फिल्म देखोगे ना एक पॉइंट पर जाके ये मुकेश जी ने ओवर
पावर कर जाता है कहानी के विच। वो बहुत अच्छी चीज़ सी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि साढ़े जो फिल्म के कैप्टन है मनदीप सर सारे डायरेक्टर वो काफ़ी क्लीयर इन्हों की गाइडेंस काफ़ी क्लीयर सी कि तेरे को जाके ये करना है तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है एक्टर्स के लिए कि आपको जाके अपना परफॉर्म करना है बस। तो उसका क्रेडिट मैं मेरे डैड नू भी दूंगा ते सर नू भी मैं पूरी टीम नू दांगा। बिल्कुल। सो कुलनूर थोड़े वाल आना है पहले तो बहुत सोने लग रहे हो। सो मैं जिससे तक गलत नहीं है मैनू लगता है तुसी मॉडलिंग तो अपना करियर भी जिहड़ी स्टार्टअप कीता सीगा सो किवें एक्टिंग वाल आना होया सी जब तुसी इस फील्ड चाहते हो लाइक एज अ मॉडल मेरी एस्पिरेशन सी कि मैं एक्टर बनना है एंड यू नो एक रॉनेस इनबिल्ट भी सी एक्सप्रेशन मे बी उदा एक्सप्रेस करना आंदा एंड ऑल दैट तो मॉडलिंग की दिल्ली फिर बॉम्बे जाने हो तुसी टू फर्दर प्रोसीड करन ले अपने यू नो अपने आप नू एक्टिंग च देखदे हो एंड ऑल दैट तो उत्थे ऑनेस्टली दसांगी तो मेरा एक काफ़ी मेहनत की ऑडिशंस गई काफ़ी एंड एक टाइम तो यह जहाँ आ गया सी टाइम की आई फेल्ट लाइक गिविंग अप लाइक बहुत डिफिकल्ट हो रहा सी एंड ऑल बट यू नो ड्रीम्स भी सीगी एंड आई वॉज इंजॉइंग ऑलसो स्ट्रगल नू मैं इंजॉय कर रही सी एंड ऑल दैट बट थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ गई सी इज वैन जद दिस फिल्म हैपन्ड लाइक मेरे साडे मेरे मदर का कैफे है उत्थे कुछ आर्टिस्ट आते ने पंजाबी आर्टिस्ट एंड माई मेरे मदर ने शेयर की मेरी प्रोफाइल एंड सर को पहुंची सर मैनु मिले एंड दैन नैक्सट थिंग आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं मुकेश सर यू नो हैव टू एंड पहला तो मैं गुरुद्वारे गई थैंक यू कीता सर थोड़ा कॉन्फिडेंस दौर बजी एंड ऑल दैट फिर असी मैं गई उत्थे एंड I think rest is the history of the destiny si ki inu picture milni si bilkul same same so sir inna lamba sama tonu is industry de vich ho chuka hai tusi mainu lagda almost har kise director har kise producer de naal kaam kar chuke ho so haje vi koi chaah hai tonu lagda hai ki ha is actor de naal ya is producer de naal mera haje kaam karna baki hai chaah kadi khatam nahi hundi aur eh silsile bhi khatam nahi hunde ki अज मैं इत्थे हाँ तो नवे एक्टर जिहड़े आए ने वो कामयाब नहीं है और उतने इंटेलीजेंट नहीं है या उतने स्ट्रोंग एक्टर नहीं है ये नहीं है सब माहौल चलता रहता है तुसी नहीं कह सकते कि हुण नवे आ गए OTT प्लेटफॉर्म ने सारा माहौल ही चेंज कर दिता है सोचन दा एक्टर दा एक्टर किस तरह सोचता तुसी देखो उस सारा की कहिंदे ने डेफिनेशन ही चेंज हो गई एक्टर की पहले तो एक्टर इस तरह का होना चाहिए जी 6 फुट का होना चाहिए खूबसूरत होना चाहिए ये हम तुसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखो तो एक नया सिनेमा जड़ा है इसे वेरी चैलेंजिंग मैंने लगता है कि कुछ सोचने की सानू लोड़ नहीं ऑटोमेटिकली साडे देश के अंदर इतनी चेंजेस आ रही ने एक पैलर सिनेमा खड़ा हो गया है और असी योजा सिनेमा नहीं किया था तो साढ़े लिए यही चैलेंज है कि असी उस तरह दिल्म करिए जो मौका मिले सानू तो ताकि डिफरेंट किस्म का थोड़ा पोर्ट्रे निकल के सामने आता तो चैलेंज ये नहीं है कि हमेशा तुसी मैं तुसी जिन्ने मर्जी वड्डे हुंदे जाओ तो ये जरूरी नहीं है कि जिहड़े नीचियों आ रहे हैं उन्हां को टैलेंट नहीं है और यहाँ दे आर नॉट एट पार विद यू बिकॉज तुहाडे को 30 साल का एक्सपीरियंस है इत्थे 24-24 साल के डायरेक्टर ने ऐसे ऐसे काम करके असीं देख रहे हैं OTT कर दिते तो सानू खुशी है कि पहले इंडस्ट्री खड़ी हुई है और सानू ये कि असी किसी भी एक्टर नहीं सोचना चाहिए मेरा 30 साल हो गए 40 कुछ नहीं सी एवरी मैच इज़ अ न्यू मैच तुसी 500 रन मारे ना दूजे दिन फिर खड़ा बैट लैके होना ना वो नवा है इनिंग है थोड़ी इस तरह ही साड़ा है कि हर फिल्म के कोई पता नहीं कि किस तरह का एक्टर डायरेक्टर सामने आ जाए टफ डायरेक्टर हो तो सीधा कुछ सीधा एक लाइन जो थोड़ी सारी पिछली एक्टिंग बाहर कट देगा तो उन्होंने चाहिए वो दसो तुम जाके तो इस इज़ ऑलवेज अ चैलेंज ये नहीं होंगे कि हूँ मैं बड़ा एक्सपीरियंस हो मैं कुछ भी कर ला तो यही चैलेंज जोड़ा मैं बहुत ही तरीके एक्सैप्ट करता और असी कोशिश करते हैं कि हम इस रंग च भी रंग जाइए बिल्कुल सो मनदीप सर मैं लगता है कि मुकेश सर वर्गी सोच हर एक एक्टर की होनी चाहिए है कि जेकर जिमें उन्होंने इन्ना लंबा समा इस इंडस्ट्री के हंडाया पर उन्होंने हले भी सोच है कि हर एक मौका दिता जाए अपने जिहड़े जिमें अजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं है ना उन्होंने भी जिम्मे टाइम दिता जा रहा है ये मैं तुम दसा इन्हों की जी हम्बल अप्रोच है ना उन्हें सानू इस पिक्चर नू बनाने बड़ी हैल्प की ये सारे की सोच नहीं होंगी ठीक है इन्होंने बिल्कुल सही कहा भी आर्टिस्ट तो आन के
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ 100% ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਘਵ ਤੇ ਕੁਲਨੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਅਗੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਰਫ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਰਡਕੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਭ ਕੁਛ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਿਲਮ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਰੋਮਾਂਸ ਸੋਫਟਨੈਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਕ ਕਿਊਟ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੀਪ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫਲੇਵਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਐਕਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 3-4 ਕੈਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਅਰਜਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਨਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਿਡਰ ਨਾਲੋਂ ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੂ ਸੀ ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਵਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਰੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਗਏ ਕਾਲਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਬਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਚੈਲੇਂਜ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਕਸੈਪਟ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੀਂਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਦੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਏ ਫਿਲਮ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਔਰ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਸੋ ਰਾਘਵ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੈਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਲਗਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈ ਇਸਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਡ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਧਰ ਉਸ ਤੇ ਸੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੋ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ
ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡ ਦੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋ ਕੁਲਨੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਵੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਭੜੇ ਭੜੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਲਮ ਚ ਮੈਂ ਫਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਫਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੱਕ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਸੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਸਾਪਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਂਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਨ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਫੀ ਰੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਡਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਰਾਘਵ ਐਂਡ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਘਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਦੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਇਹਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਮਕਮ ਯੈਸ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵਿਸ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਰ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਡਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੂ ਔਰ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਸਨ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ NCC ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਟੂਵਰਡਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵਕਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਨੂਰ ਬਰਾਰ ਔਰ ਰਾਘਵ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਡਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ